बिहार में शराबी चूहों का आतंक। चूहे पी गए 9 लाख लीटर शराब। चूहा दारू पी जाता। थानों में रखी शराब ले गए चूहे। बड़ी बड़ी चूहा है, कम से कम 25 किलो के चूहा हमारे यहाँ। चूहों ने करोड़ों रुपए की दारू पार्टी की। कहां गई करोड़ों रुपए की शराब? शराब चूहों ने पी या पुलिस वालों ने? थानों से ही शराब की तस्करी हो गई। क्या है 9 लाख लीटर शराब का सच? चूहे शराब पी रहे हैं या शराब कम हो रहा है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हम लोग जांच उसका करवाएंगे। बिहार में चूहे बने मोस्ट वांटेड शराबी। बिहार में चोर पुलिस नहीं, चूहे पुलिस का खेल। चूहे अक्सर लोगों के लिए सिरदर्द बनते हैं, लेकिन अगर चूहे शराबी बन जाए तो वो हो जाते हैं मोस्ट वांटेड। या मोस्ट वांटेड शराबी चूहे, जिनकी बिहार पुलिस को शिद्दत से तलाश है। ये कोई मामूली चूहे नहीं है, बल्कि 9 लाख लीटर यानी कि करोड़ों रुपए की कीमत की शराब पीने वाले चूहे। एक बार फिर सुनिए, 9 लाख लीटर शराब पीने वाले चूहे। देखिए, बिहार में शराब को लेकर चोर पुलिस नहीं चल रहा है, चूहे और पुलिस का खेल चल रहा है। गोड़ी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। ना ना, थोड़ी नहीं बल्कि 9 लाख लीटर शराब पी ली है। जो पीली है चोरी तो नहीं की है। जी हाँ, 9 लाख लीटर देसी और विदेशी शराब पी है। कमाल है, लाखों लीटर जब्त की गई शराब गायब हो गई और कहा जा रहा है कि ये चोरी नहीं है। अरे चोरी नहीं, ये तो सीधे सीधे डाका है। अब इतनी शराब पीने के बाद गिरने की बारी तो आएगी ही ना। मगर मुद्दा ये है कि लाखों लीटर शराब चूहों ने पी और बेहोशी पुलिस वालों पर छाई है। अभी तक आप पूरा मामला ठीक से समझ नहीं पाए होंगे ना। दरअसल बात ही ऐसी है साहब, जो ना तो आसानी से समझ में आने वाली है और ना ही आसानी से हजम होने वाली है। बिहार में चूहों पर इल्जाम है कि वो जब्त की गई करोड़ों रुपए कीमत की 9 लाख लीटर शराब पी गए। जी हाँ, पी गए। इतना ही नहीं, चूहों ने इतनी बड़ी हिमाकत की है कि थानों में जाकर दारू पार्टी की है। जी हाँ, चूहों की दारू पार्टी। सुनकर आपको बेहद अजीब लग रहा होगा, लेकिन बिहार पुलिस का तो यही कहना है कि उनके यहाँ थानों में रखी शराब चूहे पी रहे हैं। और पुलिस इतनी लाचार है कि उसने चूहों को 9 लाख लीटर शराब पीने दी। इन चार तस्वीरों में आपको बिहार में शराब को लेकर चूहे पुलिस का खेल समझ में आ जाएगा। पहली तस्वीर पटना की है, जहां थाने से लाखों लीटर शराब गायब होने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। दूसरी तस्वीर बिहार के गया की है, यहां भी माल खाने से शराब चोरी होने की खबर है। और तीसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां थाने में दारोगा शराब के नशे में हंगामा करते पकड़ा गया। चौथी तस्वीर चूहों की है, पुलिस का कहना है कि थाने और माल खानों से चूहे बड़े पैमाने पर शराब पी गए हैं। अब बिहार पुलिस चाहकर भी ना तो शराब पीने वाले चूहों की पहचान कर सकेगी और ना ही उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी। भाई बात साफ है कि ना चूहे इतने बदमाश है कि 9 लाख लीटर शराब पी जाए, और ना पुलिस इतनी शरीफ कि माल खानों से चूहों को शराब ले जाने दे। अरे आगे आप खुद समझदार हैं ही।
गया से जयप्रकाश कुमार और अमित कुमार के साथ ब्रजेश मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। बिहार में चूहों के शराब पीने का मामला दरअसल पटना से सुर्खियों में आया था। एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की तो कुछ थानेदारों ने ये शिकायत कर दी कि कई लीटर जब्त शराब चूहे पी गए साहब। ये खबर सुनते ही कुछ पुलिस वाले हंस दिए तो कुछ अफसरों के पसीने आ गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि चूहों के शराब पीने का मामला तो अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। बिहार में शराबबंदी का फैसला जितना सुर्खियों में था, अब शराब और चूहों का खेल भी उतना ही चर्चा में है। बिहार में जब्त करके थानों में रखी गई शराब गायब हो चुकी है। पुलिस वालों की शिकायत है कि शराब चूहों ने पी ली, और ये बात सबसे पहले पटना में सामने आई। पटना के थानों में रखी शराब की कई पेटियां कटी हुई पाई गई। पुलिस का कहना है कि चूहों ने शराब की पेटियों को काट दिया है, और इस मुद्दे पर पटना में क्राइम मीटिंग में चर्चा भी हुई। खबर है कि एसएसपी मनु महाराज से कई थानेदारों ने कहा कि पेटियां और प्लास्टिक की बोतलें काटकर चूहे शराब पी गए। वहीं पटना पुलिस लाइन में दारू पार्टी करने वाले बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सिंह और शमशेर खान को पकड़ा गया। हम लोगों को सूचना मिली थी कि पुलिस लाइन में कुछ लोग जो है शराब पी रहे हैं और शराब के नशे में है। उसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करवाई गई और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जब से ये खबर आई है कि 9 लाख लीटर शराब चूहे पी गए, तब से यही सवाल उठ रहा है कि क्या सच में जब्त की गई शराब चूहों ने घटक ली या फिर पुलिस वालों ने उसे ठिकाने लगा दिया। इस सवाल का जवाब पुलिस के आला अधिकारियों को भी नहीं मालूम। जी मीडिया ने जब पूछा कि थानों में रखी लाखों लीटर शराब क्या सचमुच चूहे पी गए, तो सुनिए पटना के एसएसपी ने क्या कहा। चूहे शराब पी रहे हैं या शराब कम हो रहा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, हम लोग जांच उसका करवाएंगे, पर जो भी व्यक्ति जो कानून है सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस वाला हो या आम पब्लिक हो या कोई भी हो, सबके लिए बराबर है और उस पर इक्वल कार्रवाई होगी। पुलिस के आला अफसर कुछ भी कहे, लेकिन इतना तो तय है कि अब शराब का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि मामला सिर्फ ये नहीं है कि शराबबंदी की शराब चूहे पी गए, बल्कि मामला इसलिए गंभीर है कि पुलिस की कस्टडी से इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां चली गई। बिहार के थानों से लाखों लीटर शराब गायब होने पर सरकार और पुलिस में खलबली है। पुलिस ने चूहों पर इल्जाम लगाया तो सरकार को ये समझते देर नहीं लगी कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में शराब को लेकर चूहे और पुलिस का ये मामला कितना गंभीर है। खबर है कि बिहार के थानों में रखी 9 लाख लीटर शराब चूहे पी गए। चूहों ने शराब की सैकड़ों पेटियों को काट दिया है। प्लास्टिक की बोतलों में पैक शराब चूहों ने बर्बाद कर दी है। कई देसी शराब के पाउच चूहों ने काट दिए हैं। प्लास्टिक की बोतल और पाउच में रखी हजारों लीटर शराब बर्बाद हो गई। थाने में रखी शराब की कड़ी निगरानी करनी पड़ती है। चूहों की शराब पीने की बात आधिकारिक तौर पर कहीं नहीं दर्ज है। बिहार के थानों में चूहों के शराब पी जाने की खबर पूरे पुलिस महकमे को मालूम है। हालांकि एडीजी संजीव कुमार सिंघल ने इस खबर को खारिज किया है। उनका दावा है कि थाने में रखी गई जब्त शराब सुरक्षित है। शराब की पेटियों को चूहों से बचाने के लिए उन पर चूहे मारने वाली दवा का छिड़काव करवाया गया है। जल्द ही जब्त शराब को नष्ट करवा दिया जाएगा। तो क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसका दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए हमने ये सारे डायरेक्शंस इशू किए हैं पूरे फील्ड फॉर्मेशन को कि इसके नष्ट करने की कार्रवाई अपना है। मगर पुलिस में शराब और चूहों को लेकर हड़कंप मचा है, क्योंकि शराबबंदी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर अब भी पहले जैसे हैं। खबर है कि चूहों के नाम पर शराब घोटाले में कई पुलिस अफसरों पर गाज गिर सकती है, इसलिए 10 मई की मीटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन के अफसर आंकड़ों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। नष्ट की गई शराब, जब्त की गई शराब और शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यहां तक कि सिर्फ अगर किस्सा रहता तो ठीक था, लेकिन इससे आगे भी बात है। 5 किलो के चूहे हैं और कई लीटर कच्ची शराब भी पी गए।